हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कि आप सबको पता है कि देवा भाई की मौत हो गई। लाख दुआ और कोशिश के बावजूद हम भाई को नहीं बचा पाए। लेकिन गाइस, अब गुर्जर समाज को शांत नहीं बैठना है, क्योंकि अगर हम शांत रहेंगे तो रोज के रोज ऐसे नए नए नगीने खोएंगे। तो गाइस, हमें कदम उठाना होगा, अपनी समाज को जागृत करना होगा। इस सबसे पहले तो दोगले लोगों से अपना संबंध रिश्ता सब हटा ले। और गाइज, आपको पता है देवा भाई के ऊपर जो फायरिंग हुई है, गोली, तलवार, डंडा, चाकू सैलून की दुकान में हुई थी। सैलून मालिक बबलू जो भी घायल हो गया अच्छी तरीके से। और ये एक सजी धजी फील्डिंग थी गाइज, जिस वजह से भाई को उन्होंने पकड़ लिया, वरना उनकी औकात नहीं थी भाई तक पहुंचने की। इसलिए मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर इतनी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, ताकि नई नई जो भी अपडेट आप तक पहुँचे आप उसे शेयर कर सकें। और गाइज, अब हाथ पे हाथ धरे बैठने में कोई फायदा नहीं है, अब हमें एक्शन लेना होगा, अपनी समाज को जागरूक करना होगा। और जो हमारे देवा जैसे भाई हैं उनका बदला लेना होगा। तो गाइज, जितना भी हो सके दबा के इस वीडियो को शेयर करो और सबको जागरूक कराओ कि बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि बैठे रहने से हम पहले भी बहुत कुछ खो चुके हैं और आगे बहुत कुछ खोने वाले हैं। तो हमें भाई का बदला लेना है, अपने समाज को जागरूक करना है। और सभी से मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, किसी से भी दोस्ती या भरोसे की उम्मीद मत करो, क्योंकि हमें वो ही हरा सकता है जिसको हमारा पता हो, जो अपना हो, जिसे हमारी नीम का पता हो। इसलिए गाइज, पूरी रात रोने में निकल गई। आखिर कर भी कह सकते हैं, देवा भाई के साथ इतना बुरा हुआ है। सो प्लीज़, सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है मेरी यार, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और अपने समाज को जागरूक करो, क्योंकि हाथ पे हाथ धरे रहने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। बस आप तक ये जो भी नई नई अपडेट, जो भी मेरे अंदर जुनून है समाज के प्रति, वो आप तक मैं पहुंचाता रहूंगा। बस हमारे और जो भी भाई हैं देवा जैसे, उन पर आंच ना आए, इसलिए हमें समाज को जागरूक करना होगा। थैंक यू गाइज, सुबह का राम राम, लव यू सो मच।